क्या बेहतर है एक छोटी कैंडी या एक बड़ी कैंडी, एक छोटा सा ओरियो या एक विशाल कुकी, एक छोटी चॉकलेट या एक बड़ी फ्रूटेला। हमारी इस नई वीडियो में देखें और किसी भी आकार की कैंडी चुनें। रेडहेड ने तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान लगा रखी है, पर वो इन्हें मेरे साथ बांटना नहीं चाहती। क्या ये सारा खुद ही पी जाएगी? लालच अच्छी बात नहीं। मैंने उसकी सारी ड्रिंक्स को छोटे आकार में बदल दिया है ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। छोटी सजावटी बोतलें लें, ड्रिंक के छोटे लेबल लेकर उसे काट लें। दोनों तरफ जोड़ने वाली टेप से इन्हें लगाकर बोतल पर चिपका दें। हर बोतल में ड्रिंक डालें। स्ट्रॉ को काटकर बोतल में डाल लें। रेडहेड के लिए बहुत मुश्किल होगा इन छोटी बोतलों से अपनी प्यास बुझाना, और मैं अपनी पेप्सी का आकार वापस बदल दूंगी। अब जलने की बारी इसकी है। आज का दिन कितना बोरिंग है। ये इतना बोरिंग है कि नीली आंखों वाली लड़की ने फ्रूटेला की मीनार बना ली। क्या इस खेल को आप नया नाम देंगे, फ्रूटेला का खेल? और क्या होगा अगर हम फ्रूटेला का आकार बड़ा कर दें? तब तो ये मीनार और भी बड़ी हो जाएगी। चबाने वाली कैंडी को माइक्रोवेव में पिघला लें, मिलाएं और इसे एक बड़े चौकोर ढांचे में डाल लें। जरूरत के हिसाब से बड़ा रैपर लें और कैंडी के जम जाने पर इसके अंदर रखें। एक बड़ा पैकेट बनाने के लिए एक बड़ा रंगीन कागज लें और सारी कैंडीज को इसमें रख लें। इसे बंद करें और लेबल लगा दें। एक विशाल फ्रूटेला पैकेट से निकालें। ये रही एक गजब की चीज। पहले तो आप इसे खाएं और फिर इनसे अच्छे से मीनार बनाएं। चलिए देखते हैं कौन सी मीनार सबसे बड़ी है। नीली आंखों वाली लड़की को कुछ मीठा खाना है। भला अच्छा खाना खाने के बावजूद पतले कैसे रहा जा सकता है? रेडहेड के पास एक तरीका है। छोटी स्टिक कैंडी। अनाज की गेंदों को टूथपिक में लगाएं। जेलेटिन में थोड़ा पानी मिलाएं और गेंदों को इसमें डुबाएं। इन्हें स्प्रिंकल से ढक लें। इन्हें एक स्पॉन्ज में लगा लें ताकि स्प्रिंकल्स ना गिरे। इन छोटी गेंदों से नीली आंखों वाली लड़की का वजन नहीं बढ़ेगा, पर आपको खुद पर काबू रखना होगा। अगर आप इन छोटी कैंडीज को ज्यादा खाएंगे तो मोटे जरूर हो जाएंगे। ओरियो किसे पसंद नहीं, पर हर दिन दूध के साथ इतना सारा मीठा खाना खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। पर नीली आंखों वाली लड़की एक स्वस्थ तरीके के साथ आई है। इसके ओरियो इतने छोटे हैं कि एक सिक्का भी इनसे बड़ा होगा। कुकी को अलग कर लें। कुछ समय तक उन्हें पानी में रखें। एक सही आकार के कटर से कुकी को बीच से काटें। सफेद हिस्से को भी इसी कटर से काटें। इसे सूखने दें, फिर इन्हें जोड़ लें। एक ही आकार का पैकेट लीजिए और उसे काट लें। पैकेट को टेप से जोड़ें और छोटे ओरियो कुकीज को इसके अंदर डाल दें। कोनों को इस तरह काट लें। इन कुकीज के लिए आपको थोड़ा दूध भी चाहिए। एक दूध के छोटे लेबल को काटें। दोनों तरफ जोड़ने वाली टेप से इसे एक छोटी शीशी पर चिपका दें। इसमें दूध डालें। स्ट्रॉ को काटकर इसमें डालें। पर रेडहेड को इन छोटी कुकीज का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। क्या ये बोनो के शहर से आया है? अगर मेरी दोस्त को ये छोटा ओरियो पसंद नहीं आया तो मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। हम इस छोटे ओरियो को विशाल ओरियो में बदल सकते हैं। ओरियो कुकी को खोलें और सफेद हिस्से को अलग कर लें। कुकी को पीस लें। इसमें थोड़ी चॉकलेट मिलाएं। ओरियो की एक बड़ी तस्वीर लीजिए। प्लास्टिक को इसके ऊपर रखें और हॉट ग्लू की मदद से इस पे आकृति बनाएं। खाली हिस्सों को भर लें और गाढ़े हिस्से को छोड़ दें।
ग्लू के सूख जाने पर कुकी को इसके ऊपर रखें। इसे गोलाकार दें, इसे अच्छे से दबाएं ताकि आकृतियां आ जाएं। इसे जमने दें। हमें तो एक असली का ओरियो मिल गया है। कुकी के पिघले हुए हिस्सों में क्रीम लगाएं। असली ओरियो बनाने के लिए इसमें एक और कुकी लगाएं। फॉइल और नीले कागज से पैकेट बनाएं। इसमें एक लेबल लगाएं। इसमें कुकी डालें और वक्राकार में काट लें। इसे हम कहेंगे एक विशाल कुकी। इसके आगे असली कुकी तो कितनी छोटी लगेगी। आप इस कुकी को अपने दोस्तों के साथ बांट भी सकते हैं। हर किसी को एक टुकड़ा मिलेगा। अब हमारे पास 3 तरह के ओरियो हैं, छोटे, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। एक नया छोटा बाजार खुला है और यहाँ सिर्फ छोटी चीजें मिलती हैं, जैसे ये छोटी चॉकलेट। चॉकलेट का एक हिस्सा काटें, इसमें से एक पीस हटा लें। चाकू को गर्म करके इसमें लकीरें खींचें और इसे और छोटे पीसेस में बदल दें। सबसे पहले इस छोटी चॉकलेट को फॉइल से लपेट लें। एक छोटा लेबल लें और उसे फॉइल के ऊपर लगा दें। इसे दोनों तरफ जोड़ने वाली टेप से जोड़ लें। इस छोटी चॉकलेट के साथ तस्वीरें लेना एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये इतनी छोटी है कि हर शॉट में आ जाएगी, बस आपका मन ही नहीं भरेगा। इसकी सिर्फ एक ही बाइट लें। खैर, ये नई छोटी चॉकलेट मुझे बहुत सारे लाइक्स दिलवाएगी। क्या आपने लहसुन खा लिया? अपनी सांसों को ताजा करें, एक टिकटैक लें। और अगर एक आम डिब्बा आपके लिए काफी नहीं तो एक विशाल टिकटैक लीजिए। एक किंडर के ढांचे को काटें। कोनों को काट लें ताकि ढांचा आसानी से खुल सके। एक डबल बॉयलर में ग्लेस को पिघला लें। ढांचे के दोनों हिस्सों को भर लें। इसे बंद कर लें। अनार ढांचे में हरा ग्लेस भरें। लगाएं। सूखने पर बड़ी गोलियों को बाहर निकाल लें। ये तो एक बड़े टिकटैक जैसी लग रही है। ऐसे ही बहुत सारी गोलियां बनाएं। एक बड़े ढक्कन वाले डिब्बे में इन्हें रखें और एक बड़ा टिकटैक का लेबल इसमें चिपका दें। मेरी दोस्त ने इस बड़े टिकटैक के डिब्बे को बैग में कैसे रखा? इन गोलियों को चबाने में तो आधा दिन लग जाएगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ बांटना ना भूलें। रेडहेड जरूर चुपके चुपके कुछ खा रही है। अपने खाने का आनंद लेने के लिए उसने बगीचे की सबसे गुप्त जगह चुनी है, पर मैंने उसे वहाँ भी ढूंढ लिया। अब उसे अपनी यमीज मेरे साथ बांटनी पड़ेंगी, पर मुझे तो पैकेट से सिर्फ छोटी यमीज मिली है। कमी को छोटे छोटे आकार में काटे। मेरी दोस्त का कहना है उसने कुछ नहीं किया, शायद ये कैंडी अभी बड़ी नहीं हुई है। खैर, छोटी कैंडी से भी मोटी नहीं होगी। मैं अपना रफेलो खा रही हूँ, पर नारियल की खुशबू सूंघते ही मेरी दोस्त आ गई। अरे माफ करना, ये पैकेट तो खत्म हो गया, पर यहाँ अभी भी एक डिब्बा है। रेडहेड ने बड़ी चाह के साथ उसे खोला, पर वो तो निराश हो गई। यहाँ तो सारी कैंडी सिकुड़ गई है। अनाज की गेंदों को टूथपिक पर लगाएं। पानी में जिलेटिन मिलाकर इसे उसमें डुबोएं और फिर इसमें नारियल लगा दें। ऐसे ही और कैंडीज बनाएं। रेडहेड ने इन कैंडीज को गौर से देखा। ये रफेलो तो नहीं है, ये तो नारियल की बिंदु लग रही हैं। खैर, मैं इन्हें खा लेती हूँ। अरे वाह, बहुत छोटी है ये, पर इनका स्वाद तो असली रफेलो जैसा है। कितनी अच्छी बात है कि ये डिब्बा भरकर है। रेडहेड ये सारा खुद खा जाएगी और किसी को भी नहीं देगी। क्या आपको हमारे तरीके पसंद आए? तो कमेंट्स में लिखें कि आप किन्हें चुनेंगे।
अपनी यमी के छोटे आकार को या बड़े रूप को। और लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि ट्रूम ट्रूम से आने वाली नई वीडियोस आपसे छूट ना जाएं।